नमस्कार टुडे हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। फिर से एक बार भारत सरकार हाई अलर्ट जारी कर दिया है कोरोना के बारे में। देखिए बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। कोरोना के बारे में गाइडलाइन मिलते ही स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी ने शुरू कर दी अपनी तैयारी। पूरी स्वास्थ्य विभाग पूरी टीम तरीके से हो गया अलर्ट। फिरोजाबाद में कोरोना को लेकर जारी किए गए अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मंथन में जुट गए हैं। गुरुवार को जिला संयुक्त चिकित्सालय के CMS ने पत्रकारों को जानकारी दी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में हालत बिगड़े थे। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया गया था। दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद से ही लोग कोरोना को लेकर काफ़ी लापरवाह हो गए थे। विभाग की ओर से सतर्कता कम कर दी गई थी। भीड़ भाड़ के मानक के अलावा कोविड गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा था। बुधवार कोरोना को लेकर शासन ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है तो महकमा हरकत में आ गया। CMS डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिले में कोविड का कोई केस नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोविड को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नियमित जांच के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए टीमों को जानकारी देने के साथ सतर्क किया जा रहा है। लोग मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में तेजी लाई जाएगी। कोरोना वार्ड को भी अपडेट किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग वर्मा, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर दीपक तिवारी, डॉक्टर रमेश चंद्र केशव, शाहने आलम, रिहान के अलावा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नई लहर बताई जा रही है और सरकारी गाइडलाइन आई है, क्या व्यवस्था है अपने हॉस्पिटल में? नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था जो हॉस्पिटल में है वो पहले से ही अच्छी थी और अभी भी है। ये हमारा वार्ड है, कोविड आइसोलेशन वार्ड है, इसमें 40 बेड की क्षमता है, जिसमें बड़ों को भी हैं और बच्चों के भी हैं। बच्चों के लिए पीकू वार्ड बना रखा है उस साइड में, और सामने आइसोलेशन वार्ड है। यहाँ बड़ों की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही है, कंसंट्रेशन भी हमारा उपलब्ध है। और जिससे मरीज किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी।